यहाँ पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा फंसा हुआ है 3 दिन से। बेचारा चिल्ला रहा है, ना कुछ खाया है ना पिया है। और जहाँ पर मतलब कि है वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं गए हुए हैं और शायद आज आने वाले थे और अभी तक आए नहीं है। और हम उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं कि कब तक आए। और अभी भी बेचारा चिल्ला ही जा रहा है। तो दीदी भी कर रही है वेट कब तक वो लोग आते हैं। और हम इस बच्चे की मदद करते हैं, निकालते हैं बाहर और इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। और मौसी देख रहे हैं इसी छत पे है, इसी पे हमने दिन में तो देखा था और अभी ठंड की वजह से वो छिप गया है। बैठने के लिए जगह नहीं है। जब आएगा तब दिखाते हैं। बेचारा एकदम कमजोर हो गया है। जो कल बिल्ली का बच्चा फंस गया था हम उसी को लेने जा रहे हैं और मम्मी जा चुकी है और मैं जा रही हूँ पीछे पीछे से। चलो मम्मी तो पहले ही चली गई थी और मैं जा रही लेने। देखती हूँ उन्हें खोला है कि नहीं खोला उन्होंने अंकल ने। ये मिल गया बिल्ली का बच्चा। ये देखो हम लेकर जा रहे हैं इसे ऊपर। कितना क्यूट है ये। भागने की कोशिश कर रहा है। ये देख, अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा ना, उठा ले उठा ले। अरे डर रहा है सर। बहुत शैतान है नॉटी बॉय। था अब जाके हमें मिला है। ये देखो कितना सुंदर है, चिल्ला रहा है। अभी इसको लेकर आए हैं सुबह सुबह, कल तो ला नहीं पाए थे तो कल कोई था ही नहीं उधर। चिल्ला रहा है, ये देखो चिल्ला रहा है। इसको दूध रखा गया बोला था वही बच्चा है। ये देखो बिल्ली का छोटा सा और इसकी माँ है। ये जब तो लाड़ कर नहीं रही थी, जब अब हम इसको ले आए हैं तो खुद ही आ गई है पीछे पीछे। ये देखो एक कटोरी दूध भी इसने गिरा दिया, इतनी ऊंची छलांग लगाई। और ये दोनों चाटने में लगे पड़े। नया सदस्य जो बिल्ली का बच्चा लेकर आए थे छोटा सा, और कुछ ही देर बाद हमने उसकी माँ से मिला दिया और वो कुछ देर बाद ही बच्चे को लेकर चली गई। और अभी हमें बच्चा मिला है साथ वाली छत पे। और ये देखिए बेचारा माँ चिल्लाते हुए आ रही है, इसको पता लग गया कि हाँ हमने उसे देख लिया है इसलिए ही चिल्ला रही है। और ये पता भी नहीं चला ये कब लेकर चली गई। और यहाँ पे दीदी खिला रही है दूध और रोटी बच्चे को। ये देखो इतनी छोटी छोटी रोटी करी है ताकि वो जल्दी से खत्म कर सके। और अभी उसका आधा खाना हो चुका है, आधा नहीं सॉरी पूरा हो गया। अब तो बुलाना दीदी, थोड़ा और डालना चाहिए। बुलाना। ये देखो कितना क्यूट है ना एकदम छोटा सा। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा बस। और ये देखो उसकी माँ चिल्ला रही है यहाँ पे। क्यों चिल्ला रही है? इसका टिफिन तो वहीं रह गया, अब इसको ऐसे देना पड़ेगा। क्यों चिल्ला रही है गंदी? डाल दो। साथ वाली छत पे ही है, शुक्र है कहीं और नहीं मतलब इसने वो किया लेकर गई। अब हम आसानी से इसको खाना वाना खिला पा रहे हैं और आधा खाना भी फिनिश कर दिया इसने, दूध और रोटी। ये देखो अभी भी दीदी खिला रही है। इसका नाम भी रख दिया चुन्नू। कल में इसका नामकरण भी हो गया। चुन्नू ठीक है ना, चुन्नू। और इसकी माँ का नाम है कन्नू।
ये भी अचानक ही हमारे घर पे आ जाती है और चिल्लाने लगती है, दूध मांगती है। बस दूध पीने ही आती है। ये ले अब तू सारा खा ले। चलो अब ये उसके पेट में कुछ पड़ जाएगा वरना वैसे भी कमजोर सा ही है। ये देखो नीचे तो पहुंचा नहीं सकते थे इसलिए हमने ऊपर तो डाला। रहे बड़ा क्यूट सा। देखो 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 ले चुन्नू चुन्नू चुन्नू। ये देखो है कितना क्यूट। अब ये ढूंढ रहा है कहाँ पर मतलब रोटी डाली है। उस साइड है जा 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 आगे आगे। हाँ ये ही बस। सात वाली छत पे ही है और इसका आधा खाना फिनिश हो चुका है। ये देखो कितना और हम जैसे ही जाएंगे शायद फिर से ये कहीं ना कहीं लेकर जाएगी और ये इसलिए और चिल्ला रही है इसलिए हमें और देखना पड़ रहा है इसको। ये चलो दीदी क्या पता ना लेकर जाए शायद पापा को भेजते हैं ना। हाँ पापा को ही भेज देते हैं।